3 फरवरी 1976 का। तो सुनते हैं आज की मुरली, और इस मुरली का सार है कि इस मुरली में बाबा ने धर्म क्या है और कर्म क्या है इसकी परिभाषा दी है। धर्म अर्थात धारणा, ज्ञान की, दिव्य गुणों की, इन सब की धारणाएं, और कर्म अर्थात कोई भी कार्य करना अर्थात कर्म में आना। तो सत्ययुग त्रेता में धर्म सत्ता और कर्म सत्ता अलग अलग नहीं थे। कर्म कैसे होती थी? धारणा के साथ होती थी ना, वैल्यू के साथ होती थी, लेकिन अब तो ये अलग अलग हो गए हैं, धर्म अलग कर्म अलग। तो कर्म करने वाला क्या कहते हैं कि धर्म की बातें मुझसे ना करो, और धर्म वाले क्या कहते हैं कि हम तो कर्म संन्यासी हैं, मतलब कर्म ही नहीं करेंगे, नो काम। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, कुछ तो कुछ कर्म करना ही पड़ता है। तो लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि जिम्मेवारी उठाते हुए धारणा सहित कर्म करो, यानी कंबाइंड रूप में करो, धर्म और कर्म को कंबाइन कर दो। अगर कर्म और धर्म कंबाइन नहीं, तो बाबा इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति माना अकेला, तो यह कंबाइंड रूप ही संगम युग की विशेषता है, बाबा कहते हैं। तो सुनते हैं मुरली। ओम शांति। धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। गुणमूर्त और त्यागमूर्त दीदी जी तथा वत्सों को मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने विशेष युग, संगम युग की विशेषता बतलाते हुए यह मधुर महावाक्य उच्चारे। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं हम तो हैं ही कर्म संन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। बाबा ने धर्म की परिभाषा बताई। तो सारे दिन में चाहे जैसी कैसी भी जिम्मेदारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो, या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। बाबा ने चेक करने के लिए कहा है कि सारे दिन में कर्म करते कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? वैसे कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते, लेकिन संगम पर असंभव बात ही संभव हो जाती है। बाबा कहते हैं संगम पर असंभव बात ही संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ हैं, धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगम युग ही विशेष युग है, इसलिए विशेष है क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती हैं, इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का, बाप और बच्चा और प्रारब्ध का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं व अधिकारी बन सकते हैं। क्या कहा बाबा ने कि जो इस बात के कंबाइंड रूप के अधिकारी हैं, वे ही अनुभवी बन सकते हैं। किसका? बाप और बच्चे और प्रारब्ध का,
और श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं, मेजॉरिटी का रहता है अथवा नहीं, क्या रिजल्ट समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं, जब यह निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए तभी प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का धारण कर सकेंगे। तो यहाँ पे संगम पे हम कंबाइंड रूप में रहेंगे, बाप और मैं, धर्म और कर्म, तो वहां पे प्रारब्ध हमारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप का अनुभव कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना, इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। बाबा कहते हैं ये चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं, अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं, यह भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, है ना, सत्युग से कंबाइंड ही तो है, प्रवृत्ति मार्ग है हमारा, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो, यह अंडरलाइन करने की बात है कि जब सबका ऐसा अभ्यास हो जाए, जब सबका संपन्न हो जाए यह अभ्यास, तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। तो अभी से यह कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहां कैसे होंगे? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना, धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही तो हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। ये थी पहली मुरली, अब दूसरी मुरली की तरफ चलते हैं। दूसरी मुरली का जो वो शीर्षक है वह है बाबा के सहयोगी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और इसकी डेट है 6/2/76, 6/2/76। तो इस मुरली में बाबा ने अपने सहयोगी बच्चों के बारे में बोला है। बाबा तो कहते हैं कि बाबा का हर बच्चा सहयोगी ही है, और सहयोगी को क्या कहते हैं? भुजाए कहते हैं ना, हैंड्स, अंगुली भी सहयोग की निशानी है ना, गोवर्धन पर्वत का मिसाल है, तो अंगुली भी सहयोग की निशानी है। जैसे कहते हैं ना कि एक हैंड कम है तो एक हैंड दो, हाथ दो, हाथ बटाओ, तो ये सब सहयोग की निशानी है ना। तो अब बाबा अपने सहयोगी बच्चे यानी भुजाएं, हम ही है ना भुजाएं, भुजाएं से भी दो प्रकार की भुजाओं की विशेषताओं के बारे में आज बतलाते हैं, एक है राइट हैंड और दूसरे हैं लेफ्ट हैंड। हालांकि हम सब भुजाएं हैं पर दो तरह के हैं, जैसे बाबा ने कहा है ना कि नंबर वाइज, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की विशेषताओं में बाबा ने कम से कम 15 विशेषताएं गिनाई हैं, तो जैसे जैसे मुरली हम पढ़ेंगे तो आप नोट करते जाना। और दूसरी, बाबा ने लेफ्ट हैंड की कमियों की कमियां भी गिनाई हैं, इन्हें भी चेक करना, चेक और चेंज। और आगे बाबा ने एक और सुंदर बात बताई है कि बाबा कहते हैं स्वयं की अवस्था को देखो देखो तो समय का मालूम पड़ जाएगा। समय मतलब अंतिम,
समाप्ति का समय हमें खुद ही पता चल जाएगा अपनी अवस्था से। विनाश का समय, नवनिर्माण का समय, स्थापना का समय। बाबा कहते हैं आप सब निमित्त बनी हुई घड़ियां हो। हमें बाबा ने आज घड़ियां बताए और विश्व का अटेंशन आप पर है। तो बाबा कहते हैं सभी स्वयं की घड़ी में टाइम देखो कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कितना समय बाकी है, और मेरे खुद की पुरुषार्थ से मैंने कहाँ तक अपने आप को पहुंचाया है, ताकि मैं उस सतयुग और त्रेता युग में मेरी पोजीशन कहाँ होगी। तो जितना हम संपन्न बनते जाएंगे उतना ही समाप्ति का समय भी समीप आता जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के सहयोगी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, विश्व परिवर्तक, विश्व के हितकारी और विश्व कल्याणकारी बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो व देखा है? कौन सा है? सतयुगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है, सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। जैसे हाथ से ही हम काम करते हैं, हाथ के बिना का कर्म थोड़े ना होता है, तो इसी तरह हम भी बाबा के भुजाएं हैं। सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। निमित्त बनकर क्या हम कार्य करते हैं? अगर हम ऐसा सोचने लगे कि हम बाबा के भुजाएं हैं, उनके सहयोगी हैं और उसके बाद कर्म में आए, तो वो कर्म ही अलौकिक हो जाएगी। भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को व मददगार को भी कहा जाता है कि यह हमारा राइट हैंड है। तो एक है राइट हैंड और दूसरे हैं लेफ्ट, लेकिन सहयोगी दोनों हैं। बाबा कहते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों ही सहयोगी हैं। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं। सहस्र भुजाएं कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा को, तो अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं, सब उनके सहयोगी हैं। राइट हैंड किसको कहते हैं? हैंड तो सभी हो, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत भी है कि इस कार्य में अंगुली देना वा इस कार्य में हाथ बटाना। तो हाथ अर्थात बाहों की व अंगुली की सहयोगी की निशानी है। सब हो लेकिन नंबरवार। आगे बाबा ने कहा, राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोलने, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ, शुद्ध और अर्थात प्योर रहते हैं। तो साकार में भी हम हर कार्य, स्पेशली शुद्ध कार्य जो है वो राइट से करते हैं। किसी को कुछ देना है तो हमें बताया जाता है कि दाएं हाथ से दो। भगवान की पूजा के लिए हम कुछ चढ़ाते हैं तो दाएं हाथ से चढ़ाते हैं। तो राइट हैंड का महत्व है ना, तो उसी तरह यहाँ भी बाबा कहते हैं उनके राइट हैंड के बच्चे जो हैं वो शुद्ध हैं। शुद्ध कार्य के लिए जैसे राइट हैंड यूज होती है, उसी तरह यहाँ भी बाबा के राइट हैंड बच्चे जो हैं वो हर कर्म श्रेष्ठ और शुद्ध और प्योर रहते हैं। अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ
स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। जैसे भुजाएं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करनहार हैं और आत्मा करावनहार है, ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने को करावनहार बाबा को स्मृति में रखते हुए निमित करनहार बनते हैं। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होती है, क्योंकि वो हर कार्य बाबा पर छोड़ देते हैं। बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। हर सेकेंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य के जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रूप से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में वो प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। कितनी सारी विशेषताएं बाबा ने गिना दी राइट हैंड की। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। तो बाबा कहते हैं, लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं। बाबा कहते हैं लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है, करेंगे सोचेंगे लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे, लेट हो जाते हैं। साथ देंगे, कार्य करेंगे लेकिन पूरी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे लेकिन निराधार नहीं होंगे, कोई ना कोई आधार उनको चाहिए। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है, तो खुद की कमियों को वो लॉयर की तरह आर्ग्यू करके पेश करेंगे कि ये इसलिए ये मैं कर नहीं पाती हूँ ये सब। तो कायदे ज्यादा सोचेंगे लेकिन फायदा कम पाएंगे, स्वयं स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे, चेक नहीं कर पाएंगे, चेक और चेंज वो नहीं कर पाएंगे। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। इसका मतलब है कि किसी को आधार बनाकर उनसे पूछेंगे कि करूं या ना करूं, मैं ठीक तक चल रही हूं या ना चल रही हूं, ये सब। तो राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं। बाबा ने कहा कि राइट हैंड क्या है, लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लॉयर हो या लॉफुल हो। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हैं। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त करणहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी होना,
सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व परिवर्तन करने चले हैं पर स्वयं का परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। बाबा कहते हैं स्वयं के परिवर्तन से ही सॉरी समय के परिवर्तन से ही स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो स्वयं समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। क्या कहते हैं बाबा? स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? कितनी गुह्य बात बाबा ने कही कि मैं सब चेंज होंगी, अगर मुझ में परिवर्तन आएगा तो विश्व परिवर्तन होगा और नवनिर्माण का वो सतयुग समीप आएगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो हम घड़ियां हैं। ऐसे विश्व परिवर्तक रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहज योगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे इस वाणी का सार है कि अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, लॉयर हो या लॉफुल हो। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। लॉयर और लॉफुल, लॉफुल मतलब श्रीमत को फॉलो करने वाले। करामनहार बाबा के निमित्त स्वयं को करणहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। दूसरा, स्वयं के परिवर्तन से समय का परिवर्तन कर सकेंगे, इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। तीसरा, जो बच्चे करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करणहार बनते हैं, उनके कर्म में न्यारेपन और निरहंकारीपन और नम्रतापन तथा नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। और चौथा, विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन करना है। जितनी स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतनी ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। अच्छा, ओम शांति। जी, ओम शांति। थैंक यू विजय सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते, फिर हम चर्चा को।
ओम शांति। अभी हम पहले मुरली का चर्चा करेंगे, धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। सो बाबा ने इस मुरली में क्या कहा, आपका मनन चिंतन क्या रहा, शेयर कर सकते हैं जी। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें धर्म का अर्थ बताया। जैसे बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में एक एक धर्म एक राज्य, मतलब धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक ही होती है। तो बाबा ने कहा कि धर्म का अर्थ क्या है वास्तविक, तो दिव्य गुण धारण करना बाबा ने कहा, और सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, ज्ञान को भी अपने में धारण करना, दिव्य गुणों को, और याद स्वरूप की धारणा की बाबा की याद हो। तो कोई भी कर्म करते हुए दिन में, चाहे हम लौकिक कर्म कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे भी, या स्थूल कर्म कर रहे हों, साधारण कर्म कर रहे हों, बुद्धि लगाने का कर्म कर रहे हों, चाहे कंप्यूटर पे भी, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहे। जैसे हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ईमानदारी से और स्वच्छता से कर्म करें और सबका कल्याण हो, इन भावना से कर्म करें, निमित्त बन के बाबा करा रहा है, तो फिर वो धर्म की धारणा होगी। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि कर्मयोगी माना कर्म करते हुए बाबा के याद में रहे, तो ऑटोमेटिकली कर्म धर्मयुक्त तो होता है। कोई भी लौकिक या अलौकिक कर्म करते यदि धर्म नहीं तो मानना धारणा भी नहीं, तो कर्म साधारण कर्म बन जाता है। बाबा कहते हैं कर्म और धारणा दोनों का बैलेंस रखने से प्रवृत्ति मार्ग में चलना इजी होता है। धर्म और कर्म कंबाइंड है तो प्रवृत्ति मार्ग। धर्म अर्थात धारणा, दैव गुण धारणा करना, स्वरूप को धारणा करना, कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। निवृत्ति निवृत्ति माना अकेला, लेकिन धर्म और कर्म दोनों का साथ साथ रखना है। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरना है। ओम शांति। जी, बाबा ने धर्म और कर्म है ना दोनों कंबाइंड रूप में करने के लिए बाबा ने कहा है, क्योंकि संगम युग का विशेषता है ये, है ना। अभी हम कंबाइंड रूप में रहे, ये तो प्रारब्ध रूप लक्ष्मी श्री नारायण, वहां भी हम कंबाइंड रूप का अनुभव हम कर सकते हैं, बाप और बच्चा का, दोनों का हम कंबाइंड रूप है उसका अनुभव हम कर सकते हैं। इस कैसे? संगम युग में करते हैं। हाँ, हाँ धर्म जी और कर्म दोनों का कंबाइंड स्वरूप रहने से। जी, कांचन बहन बोलिए। हाँ। ओम शांति दीदी। वर्तमान समय में दुनिया में जो धार्मिक लोग कहलाते हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं कि हमारा पूजा पाठ कथा कीर्तन मंत्र जाप उसमें ही वो लोग व्यस्त रहते हैं। ने वो जो कर्म करते हैं ने तो कर्म कर्म जो करते हैं वो एक एक कहते हैं कि धर्म हम क्यों धर्म में हम क्यों जाए। धर्म में तो बहुत झगड़ा है, मतभेद है, कर्म को ही हमें धर्म मान लिया है। तो बाबा कहते हैं कि वास्तविक अर्थ धारणा ये दिव्य गुणों ये धर्म है हमारा। अनेक मान्यताओं बनाई ली कर्म और धर्म के लिए, तो धर्म और कर्म कंबाइंड है तो कर्म कंबाइन है ना तो कई प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो वास्तव में धर्म एक मजहब की लागू कर दिया कि ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति के जिन जाति के लोग हैं ना ऐसे जिस स्कूल में पैदा हुए हैं ना वो इस धर्म का है, ऐसे दैहिक धर्म मान लिया। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस हदों में वो धरा जे धराने में इसका जन्म हुआ है ना वो इसको मान्यता है, इस आधार से धर्म मान लिया है वो। तो परमात्मा के ये तो दैहिक धर्म है, आत्मा का धर्म थोड़ा है। आत्मा का धर्म तो शांति प्रेम आनंद ये है। तो ये सब धर्मों ने कर्म में इन धर्मों में बट गया तो इसमें झगड़ा हो गया, प्रांत भेद हो गया, भाषा भेद हो गया, सब समस्या का जड़ बन गया धर्म और कर्म।
वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है ने ए, लेकिन दिव्य गुण खत्म हो गया तब से अलग अलग धर्म और कर्म हो गया। कोई भी धर्म धारणा करने के जीवन में दिव्य गुणों धारण करके फिर कर्म करते चलो तो हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसको कंबाइंड रूप में ले ली तो आत्मा शरीर के अंदर कंबाइन है, जैसे कि आत्मा और शरीर कंबाइन है, एक दूसरे से बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हम धर्म को प्रवेश नहीं देते ना कर्म, तो आज कर्म और धर्म अलग हो गया, इसलिए हिंसा और अनेक झगड़ा हो गया है। ओम शांति। जी है ना बाबा, इसलिए बताए ना भ्रष्टाचारी दुनिया है यहाँ, है ना, अनेक मत है, इसलिए धर्म और कर्म अलग अलग हो गया है। जी दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने एग्जाम्पल देकर कहा है कि लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और या एक एक हाथ में दो लड्डू नहीं रह सकते, एक ही लड्डू रहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे एक कहावत को झूठ कर कर दिखाते हैं, दोनों दोनों चीज साथ रह सकती है। तो धर्म भी और कर्म भी रहे, उसी को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और बाबा ने कहा है कि धर्म और कर्म को प्रवृत्ति मार्ग कहे हो या कर्म और योग को प्रवृत्ति मार्ग कहो, दोनों एक ही बात है। माने धर्म भी है और कर्म भी है। बाबा ने धर्म को धारणा करने के लिए कहा है, तो बाबा ने कहा है कि योग रहेगा तो धारणा भी होगी, इसीलिए बाबा ने कर्म और योग को प्रवृत्ति मार्ग कहा है। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट, आशा देवी सिस्टर का हैंड रेस है, फिर आपका लेंगे। हैं आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही हाँ जी है? हाँ, बाबा ने इसी में कहा है कि जब धर्म और कर्म साथ हैं, अर्थात धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या कर्म के समय कर्म को किनारे नहीं कर देते हैं, तो ये प्रवृत्ति मार्ग, और जब इसको किनारे कर देते हैं तो ये निवृत्ति मार्ग हो जाता है। इसी में बाबा आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट में कंबाइन है प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। बाबा क्लियर करके समझा रहे हैं, जैसे कि साधु संन्यासियों के विषय में कहा जाता है कि वो घर बार छोड़कर पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं अकेले अपना संन्यास और योग करने के लिए। ये निवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ नहीं कहते बाबा, बाबा कहते कि प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ तो ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाएगा तब समय भी संपन्न हो जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। तो अभी से ये कंबाइंड रूप हमको धारण करना है कि लक्ष्मी और नारायण का, धर्म और कर्म का, योग और कर्म का, इस तरह का हमको अभी से कंबाइंड रूप संगम युग के विशेष समय में हम करेंगे, तो ही हम ये धर्म और कर्म को अपने जीवन में ला पाएंगे और बाबा की जो मत है उसको हम पूरा कर पाएंगे। ओम शांति। जी, ये अंडरलाइन बात है ना, धर्म और कर्म ये अभ्यास है ना, जब सबका संपन्न हो जाए, सबका है ना, सभी का ये दोनों कंबाइंड हो जाए, तब समय भी संपन्न हो, है ना। कंबाइंड स्वरूप का जो धर्म और कर्म है ना, ये हमें प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है, अभी हम सेकेंड मुरली में जाते हैं, क्योंकि पहला मुरली में आपका कोई विशेष चिंतन है तो बाद में आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो पॉइंट तो सभी शेयर हुआ है। अभी सेकेंड मुरली बाबा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, उसके बारे में बोल सकते हैं। वैशाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। विश्व परिवर्तन के लिए पहले स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करना जरूरी है, और जितनी स्वयं को परिवर्तन की हमें करेंगे, कमी हम देखेंगे, तो हम विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। कमी को भरना है, ऐसे बोलते हैं क्या बोली दीदी? आप बोलने का मतलब है हमें, हमारे में जो भी कमी है पहले उसको भरना है, तब तो हम हाँ जी विश्व जी परिवर्तन जी कर सकते। जी 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 दीदी, दीना सिस्टर बोलिए। दीना सिंह अनम्यूट करें अपने आप को।
ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा बोला ये आपने को चेक करो कि राइट हैंड हो वा लेफ्ट हैंड हो, तो यार जा लो पोल हो, सदा अपने को सहयोगी समझना से सहयोगी बन जाएंगी। करावन हार बाबा के निमित्त स्वयं को करण हार, समझ पर चलने से सदैव निश्चिंत और खुशित रहेंगे। ओम शांति। जी अरुणा जी दी बोलिए। ओम शांति। आज दूसरी मुरली में बाबा ने परिवर्तन की भाषा बोल रही है। दूसरी मुरली में परिवर्तन कर राइट हैंड बनना है, तो बाबा ने कहे तो पहले दिन, पहले 2 दिन पहले बाबा ने स्नेह की बातें बोली। बाप है सूक्ष्म वतनवासी और बच्चे हैं स्थूल वतनवासी, तो कैसे स्नेह का संबंध जुड़ेगा। तो सहयोगी भी जब ये स्नेह जैसे लाए, जैसे कि फरिश्ता बनेंगे आप, सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, तो सहयोगी भी बनेंगे, बाप का राइट हैंड भी हो जाएगा। ओम शांति। जी है ना, जस्ट स्मृति का ही यहाँ बाबा बोल रहे हैं ना, जस्ट आप समझो मैं बाबा का सहयोगी हूँ, है ना, मैं निमित्त हूँ, ये बातें बाद में याद में रहे तो सहयोगी हो गए, है ना, डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है ना। यो बाबा ने कहा ना धर्म और कर्म कंबाइंड रहना है, सो बाबा का याद रहना है, कैसे सहयोगी बन जाओ, बस स्मृति रखो। जी प्रिंसेस जी बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। दीदी प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। मेरा प्रश्न है, मैं चिंतन चल रहा था, बाबा ने राइट हैंड बच्चों की विशेषता बताई, ये एक्चुअली ये आत्मा की विशेषता है। तो मेरा यहाँ चिंतन चल रहा था, आत्मा में कर्म करते हुए शुद्धता और श्रेष्ठता कैसे आ सकती है, क्योंकि बाबा ने यहाँ शुद्धता और श्रेष्ठता के बारे में बहुत फोकस किया है। आत्मा में कर्म करते शुद्धता और श्रेष्ठता कैसे हम ला सकते हैं? ओम शांति जी। जी उनको ही शेयर करना चाहेंगे इसके ऊपर। शुद्धता श्रेष्ठता माना क्या है कर्म करते? शांति। ओम शांति सिस्टर। जी ओम शांति। ओम जी शांति। रामा राव भाई जी बोलिए, फिर ललिता सिस्टर बोलेंगे। जी बोलिए। श्रीमत फॉलो करने से श्रेष्ठता आ जाती है मैडम। जब हम शांति स्तंभ में राउंड लगाते हैं, जब शक्ति स्वरूप शक्ति स्तंभ के पास आते हैं, उसमें लिखा रहता है श्रीमत फॉलो करोगे तो श्रेष्ठ आत्मा बनोगे। तो अच्छा और ओम शांति। कर्म करते वक्त तो हल्कापन रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। लाइट रहेंगे तो कौन सा है कर्म करने का बोझ अपने में नहीं रहता है, आत्मा में नहीं रहता है, तो ये कर्म श्रेष्ठ हो जाता है खुशी खुशी से। ओम शांति। जी ट्रिपल लाइट है ना, फरिश्ता बनकर हम कर्म करें तब श्रेष्ठ होंगे, स्वच्छ भी होंगे। जी और बोलिए। और बाबा ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि सदा अपने को सहयोगी समझोगे तो सहज योगी बन जाएंगे। मतलब सहज योगी बनने का कितना सरल बाबा ने उपाय बताया। और दूसरा बाबा ने कहा कि करावन हार बाबा के निमित्त स्वयं को करण हार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत तो हर्षित रहेंगे, तो हर कार्य हमारे हल्के रहेंगे, हम हल्के रह के कार्य करेंगे कि करावन हार बाबा करा रहा है, मैं तो बस करण हार किए जा रही हूँ, तो ऐसा समझ के खुशी भी रहेगी, हर्षित पना रहेगा, हल्का रहेगा, सब कार्य भी युक्ति युक्त योग युक्त होके करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे। ओम शांति। साथ साथ दैवी गुण भी इमर्ज होंगे ना, सो यही है धर्म और कर्म। जी विजय भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बहन ने प्रश्न किया और प्रैक्टिकल में जो पिछले मुरली में देख रहे थे ना, कंबाइंड धर्म कर्म, धर्म मीन धारणा, कर्म मीन जो कर्म में आते हैं, तो जब हम दिव्य गुणों को यूज करके दिव्य स्वरूप बन के कोई भी कर्म करते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो श्रेष्ठता इसलिए आएगी कि हमारे मन में प्योरिटी है, और परफेक्शन इसलिए आएगी कि हमारे में पावर भी है। तो प्रैक्टिकल में भी देखा है कि जितना पीसफुल और लवफुल मगन होकर भी करते हैं, हर चीज में बैलेंस बना के करते हैं, तो कर्मों में श्रेष्ठताएं भी आती हैं और प्योरिटी भी आती है, चाहे वो किचन का वर्क हो, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, चाहे गाड़ी ड्राइविंग का वर्क हो। फिर ड्राइविंग में भी करते हैं, प्योरिटी मीन्स हमारी जो
शुभ भावनाएं हैं, कोई कैसा भी सपोज रॉन्ग ड्राइव भी करे फिर भी दुआएं कि ये सुरक्षित पहुंच जाए, कोई भी कार्य करेंगे वो फ्लो करेगा। ऑप्शन जी है ना, सिंपल बातें प्रीवियस मुरली में भी है ना, धर्म और कर्म का साथ रखो, आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप हो, दिव्य गुण की हो, या याद स्वरूप की, बाबा की याद में रहकर करो कर्म, नहीं तो दिव्य गुणों में रहकर आप कर्म करो, है ना, नहीं तो ज्ञान स्वरूप में ज्ञान का चिंतन मनन करते हुए आप कर्म करो, वो भी श्रेष्ठ बन जाएगा। कोई बाबा ने कहा ना, शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म अर्थ ही क्या है, कोई विकार ना हो, कोई इच्छा ना हो, है ना, कोई मेपन ना हो, अभिमान ना हो, अपमान का फीलिंग ना हो, सो तब उसको श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे, स्वच्छ कर्म, विकार से मुक्त। ठीक है, कर्म बंधन में हमें बंध कर कर्म नहीं करना है, कर्म संबंध में आकर हर कर्म करना है, तब वो श्रेष्ठ होगा, स्वच्छ होगा। जी शिव शक्ति, आप कुछ कहना है? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि तीन बातें, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप और धारणा मुहूर्त बनकर, माना तीनों ही हमारे सब्जेक्ट, माना कि धर्म में रहकर, और जब चौथा सब्जेक्ट सेवा करेंगे तो हम श्रेष्ठ भी बन जाएंगे और हमारे चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस फुल मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जादव भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति। जी भारती सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने कहा है कि सदा हमको सहज और सदैव विश्व कल्याणकारी के प्रति विश्व परिवर्तन के कार्य में जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी की अति सहज रीति से उठा सकते हैं कि बाबा की याद में रहेंगे, सहज बाबा को सदा साथ साथ का अनुभव करेंगे और सदा रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति हमारे हम मास्टर सर्वशक्तिवान सदा हमारे स्थिति का अनुभव करेंगे, तभी हम ऐसे राइट हैंड और सहयोगी आत्मा बनेंगे और हर सब्जेक्ट में धारणा में और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, यानी सदा एवरेडी होंगे। तो बाबा कहते हैं कि इसे इसे ही हम राइट हैंड की विशेषता और लेफ्ट हैंड सदा सहयोगी रहेंगे, यानी स्वच्छता और साथ साथ का अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी सिंपल वर्ड में हम यह कह सकते हैं, जो राइट हैंड होते हैं धर्म और कर्म को साथ साथ, है ना, कंबाइंड रूप में रहकर वो कर्म करते हैं, है ना, उसमें धारणा भी आ गई, स्वच्छता भी आ गई है ना, सर्वशक्तिवान स्थिति, हमारा स्थिति भी ऊंच हो गई, है ना। जो राइट हैंड होते हैं वो धर्म और कर्म को साथ साथ लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड होते हैं उसमें कमी होती है ना, सो लॉयर बन जाते हैं, ना क्यों करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स में आ जाते हैं। जाते जी शांति। जी श्रेष्ठ, हाँ, श्रेष्ठ कर्म के बारे में ऐसा एक उदाहरण, एक भाई जी गाड़ी में चल रहे थे तो पीछे वाली गाड़ी ने जब धक्का दिया तो वो भाई गाड़ी में उतर कर उस भाई को, उस आत्मा को पूछ रहे थे कि अपने आप तो ठीक है ना, तो ही बाबा का श्रेष्ठ कर्म है, नहीं तो कलयुग में क्या होता है मालूम है सभी को। ओम शांति। तो हमें पूछा बनना है, बाबा का राइट हैंड बनना है, उसके पर हम ध्यान देना है, उसका उसके लिए धारणा के लिए बाबा ने पहला मुरली में बताया है ना, इसीलिए। जादव भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? टाइम तो हो गया है जी, बोले आप क्विकली। अच्छा, कोई भी शेयर करना है तो शेयर करिए, उसके साथ साथ पोल का भी आंसर कर सकते सारे। हाँ जी ओम दोनों शांति क्षेत्र, ओम शांति। तो हाँ एक धर्म मिनट स्थापना में सारे। भी सहयोगी हो तो इसे ही हम बार बार सहन करते हैं, जैसे बहन ने अभी बताया, तो धर्म ही कर्म बन जाता है। जी बोलिए, बोलते बोलते फोर का भी आंसर देंगे। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ तो कर्म कैसे श्रेष्ठ होता है ऐसे आपने बोला ना, तो जब हम समझते हैं कि आत्मा परावन हर है,
और भुजाएं हैं हमारा करणहार है, ऐसे समझने से हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होता है। ओम शांति। जी विजय सिस्टर, आप अभी होमवर्क देना और योग भी कराना। थैंक यू सभी को, बहुत अच्छे से आप सभी चिंतन शेयर किए। थैंक यू। शांति। ओम शांति। तो आज का होमवर्क, बाबा ने आज हमको कंबाइंड स्थिति रूप में स्थित होने के लिए कहा है, तो आज सारे दिन अटेंशन रख करके हर कर्म को अलौकिक बनाने की पुरुषार्थ करेंगे। कर्म और धर्म कंबाइंड हो इसके लिए हम कुछ सुमान जोड़ सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं कर्म करते वक्त, या बाबा के छत्र छाया के नीचे रह सकते हैं, या बाबा को ही साथी बनाकर कर्म कर सकते हैं। तो कर्म और धर्म, ये धर्म को कंबाइंड। और दूसरी मुरली हम ले सकते हैं कि आज बाबा ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बताया है, तो हम चेक कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं आधार लेकर के आगे चल रही हूँ कि निराधार हूँ, ये चेक करके अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बना सकते हैं। ओम शांति। छोटा सा योग करेंगे 1 मिनट का। ओम शांति। भ्रकुटी तख्त पर विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा, संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। कुछ तो मैंने पुण्य कर्म किए होंगे कि स्वयं भगवान की नजर मुझ पर पड़ी, जिसे हम जन्म जन्मांतर ढूंढते फिर रहे थे उसने मुझे अपना बनाया है, सहयोगी बनाया है। मैं उनकी राइट हैंड बच्ची हूँ, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली करनहार आत्मा हूँ। वो करावनहार है, मैं आत्मा निरंतर पुरुषार्थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी हूँ। लेकिन बाबा भी तो पुरुषार्थी हैं, वो भी तो निरंतर सतर्क रहते हैं, जब जब मेरे कदम लड़खड़ाते हैं वो मुझे ऊपर उठा लेते हैं, दृष्टि से मुरली से निरंतर पालना करते हैं, हर पल वो साथ निभाते हैं। ऐसे प्यारे बाबा को दिल से धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया विजय सिस्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम जी, बाबा का शांति। राइट हैंड के लिए नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा।